शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ए विक्रम, वो 10-11 का पाना दे। देखो तो वो कैसे हुक्म चला रहा है। विक्रम क्या उसका नौकर है? ए मिस्टर दीक्षित, ये क्या है? देख रहा हूँ जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारी धर्मपत्नी मुझे ये वो करके बुलाती है, क्या चल रहा है? मुस्तफा नाम है मेरा। ए जी, हा? हमारे भोले भाले विक्रम को ये अपने जैसा बना देगा। भाग्य लक्ष्मी, वो विक्रम से बहुत प्यार करता है। देखो कैसे हर 5 मिनट के बाद प्यार से उसे विक्रम विक्रम कह के पुकारता है ना? विक्रम। सुना सुना, विक्रम नहीं अक्रम कहता है। अरे नहीं नहीं, ए विक्रम। आया उस्ताद, ये लो उस्ताद। हाँ उस्ताद कहता है। अरे हमारे बेटे की भाषा भी बदल गई। वो काला धागा लाके दिया था, वो पहना है ना? ये है ना उस्ताद, काला धागा। हाँ। ए जी, हाँ? ये दरगाह का धागा है। ये मेरे विक्रम को अक्रम बना कर ही छोड़ेगा। मुझसे तूने देखा जाता। शिव शिव शिव, भगवान मेरे बच्चे को बचा। उस्ताद। हाँ? उस्ताद मुझे भी बाइक सीखना है। साइकिल चलाता है? हाँ चलाता हूँ। तो फिर क्या है, ये क्लच है, ये गियर है, चला जा, बैठ जा पीछे। रख देगी। बैठू? अरे अरे, ये कहाँ लिए जा रहा है हमारे विक्रम को? अरे मोटरसाइकिल सिखा रहा है। मोटरसाइकिल? हाँ देखो। हे भगवान, अभी तक नहीं आया विक्रम, पता नहीं कहाँ लेके गया होगा मेरे बेटे को। आज ही जाके देखो ना, जाओ ना। आ जाएगा आ जाएगा। अरे वो देखो आ रहा है, देखो। शाबाश, जाने दे। विक्रम मोटरसाइकिल चला रहा है। हाँ हाँ, विक्रम चला रहा है। न्यूट्रल कर, न्यूट्रल कर, मार ब्रेक। शाबाश दयानंद, तुम्हारा लड़का बहुत होशियार है। आओ दयानंद, तुम भी सीख लो। आइए ना डैडी। अब्बा बोल, अब्बा अब्बा बोल। आइए ना अब्बा। अब्बा, अब तुम डैडी से अब्बा हो गए। भगवान मेरा बेटा तो गया। चल उधर, आ गया बेकारों का सरदार। ए दयानंद। हाँ? देखा, एक दिन में सीख गया। अरे बेटा किसका है? अरे बेटा तो तुम्हारा है, लेकिन शागिर्द किसका है? चलाता हूँ, हाथ धो के आता हूँ। अम्मा एक प्याली कॉफी पिलाओ। हुकुम तो ऐसे चलाता है जैसे मैं नौकरानी हूँ, मैं नहीं बनाती कॉफी ऑफी। कुछ कहा? लक्ष्मी बना दो ना कॉफी, मोटरसाइकिल सिखाने का भाड़ा समझ के पिला दो। अजी मोटरसाइकिल से गिर के टांग वांग टूट गई होती तो? इतना बड़ा घोड़ा हो गया, अकल वकल है कि नहीं? बर्तन को मुंह लगा के कॉफी पीता है, ऊपर से पियो, बर्तन तो झूठा मत करो। कॉफी तो ऐसे पीता है जैसे पूरा बर्तन खा जाएगा। नहीं खाऊंगा, या ऐसे पीऊंगा। बना दो ना। मेरा बर्तन झूठा नहीं होना चाहिए, बस। चाय पीते पीते जिंदगी गुजरी, अब अम्मा की कॉफी का चस्का लग गया। लगता है 8-10 कप पिए बगैर दिन नहीं गुजरेगा। ऐसा मत करना बाबा, एक तो नौकरी से निकाला गया हूँ, अब घर से भी निकाला जाऊंगा। तो तू अम्मा कॉफी ला रही है प्यार से? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बोलो शुक्रिया। मुस्तफा। हाँ? कॉफी। शुक्रिया मुस्तफा। मुस्तफा। हाँ? गरम है। हाँ अम्मा का हाथ लगाया तो गर्म ही होगी मुस्तफा। हाँ? वो स्पेशल है। क्यों, शक्कर की जगह नमक डाला है? विक्रम बोला ना। ये लो उस्ताद। अम्मा को ये पसंद नहीं कि उनके बर्तन को मैं मुंह लगाऊं, और बचपन से मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया कि छूत अछूत क्या होती है।
फुटपाथ थी, बेरहम भूख थी, बेरहम जिंदगी थी। चलो अम्मा भी खुश, हम भी खुश। विक्रम इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रॉ उस्ताद। स्ट्रॉ, कितनी छोटी चीज है लेकिन कमाल की है। छूत अछूत का झगड़ा ही खत्म कर दिया। आदमी अगर फसाद न करना चाहे तो कोई वजह ही नहीं फसाद होने की। विक्रम इधर आओ। दयानंद, ये तुम्हारा विक्रम हमेशा विक्रम ही रहेगा, क्यों कोई इसे अक्रम बनाए। और ये काला धागा मैंने इसे बड़े यकीन के साथ बांधा है ताकि इसके अधूरे सपने पूरे हो जाएं और इसको किसी की नजर ना लगे। हम अंदर आ सकते हैं? मगर आप लोग हैं कौन? ओ, बाय इलेक्शन हो रहा है ना, हम लोग वोटर लिस्ट चेक करने आए, गवर्नमेंट के आदमी हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, आइए। मिस्टर दीक्षित का नाम तो आपने बाहर नेम प्लेट पे पढ़ लिया होगा जी। मैं उनकी पत्नी हूँ भाग्यलक्ष्मी, ये हमारी बेटी है विद्या और एक बेटा है विक्रम। अच्छा अच्छा, और कोई नहीं है घर में? बस हम इतने ही हैं। घर के बाकी लोग कहाँ हैं? बाप बेटे बाजार गए हैं। आप लोग कुछ चाय वाय लेंगे भाई साहब? लेने तो आए हैं बच्चे लोग। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? छोड़ो छोड़ो मेरी बच्ची को, आगे तू छोड़ दे, छोड़ मेरी बच्ची को। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा। क्यों बहुत जल्दी में हो भाई लोग? अम्मा एक नाम बताना भूल गई, मैं भी इसी कुनबे का हूँ, इसी फैमिली का हूँ, मुस्तफा। जामुन्नी जामा, इसे अंदर ले जा, इन्हें मैं सही नाम पता बताता हूं। आ, चल।
जानते वो लोग मेरी बच्ची को क्यों लेके जा रहे थे? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम इस घर में आए हो हमारा जीना दूभर हो गया है। ठीक है तो मैं चलता हूँ। जाओ, चले जाओ, मगर इतना बता के जाओ कि कौन थे वो लोग। तुम्हें अपने पवित्र कुरान की कसम। कसम ही दी है तो सुन लो। वो बिपिन के लोग थे। क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने उसका? मुन्ने अंदर जाओ। बिपिन मुन्ने के साथ रिश्ता कायम करना चाहता था। क्या? शादी का नहीं, एक रात का जिस्म का सौदा। ईश्वर माफ कर अम्मा, यह बात मुझे साफ साफ कहनी पड़ी। अम्मा वो भेड़िया मुन्नी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था, इसलिए तुम्हारे न चाहने पर भी मैं इस घर में पड़ा रहा, ताकि इस घर की आबरू बरकरार रहे। तुम्हारी और बिपिन की बातें मैंने साफ साफ सुन ली थी मुस्तफा। तो फिर मुझसे क्यों छुपाई? हमने भी एक बात छुपाई थी मामा। इन्होंने आकर हॉस्पिटल का बिल भी दिया था और डैडी की जमानत भी करवाई थी। मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई जरूरत नहीं, मामूली घाव है अम्मा। मुझे माफ कर दो मुस्तफा, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम अपना खून बहाकर मेरे घर की इज्जत बचाते रहे और मैं नफरत करती रही तुमसे। अम्मा तेरी नफरत में भी प्यार था जिसकी मुझे तलाश थी। इन जख्मों से तो बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन इस परिवार से मिला हुआ प्यार मेरे लिए नया। चल बेटा। तुम क्यों रो रही हो? हाँ? चलो रो लो, क्योंकि आज के बाद इस घर में कोई रोएगा नहीं। ले तेरा भी नमक खाया। तू जहां चाहती है वही तेरी शादी होगी। भैया